हम लोग डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, उसमें से लास्ट लेक्चर तक हम लोग डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ और सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट तक पढ़ चुके हैं। उसके आगे एक और छोटा सा टॉपिक है इसका, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ये क्या चीज़ है? वैसे तो आप लोग 9th और 10th क्लास में इस टॉपिक के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए उसके वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो एक पॉलिनोमियल है और एक्स इक्वल टू अल्फ़ा उसको सेटिस्फाई करता है, या एक्स इक्वल टू अल्फ़ा उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है, तो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा उसका एक रूट होता है और एक्स माइनस अल्फ़ा उसका एक फैक्टर होता है। इसे एग्जाम्पल के लिए देखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके अंदर अगर मैं एक्स की वैल्यू टू पुट करता हूँ तो पी ऑफ टू क्या मिलेगा हमें, टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। टू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो एक्स इक्वल टू टू इसका एक रूट हो गया, रूट हो गया और x माइनस टू इसका एक फैक्टर हो गया, ये इसका फैक्टर है। ठीक वैसे ही x इक्वल टू थ्री पुट किया तो p ऑफ थ्री कितना मिलेगा, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स, ये भी जीरो आ गया। तो x इक्वल टू थ्री है वो भी इसका एक रूट हो गया और x माइनस थ्री इसका एक फैक्टर हो गया। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू जीरो, पॉलिनोमियल की बात करूँ या पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके अंदर अगर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो उसको सेटिस्फाई करता है तो एक्स माइनस अल्फ़ा उसका एक रूट बन जाता है, एक्स माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर बन जाता है और एक्स इक्वल टू अल्फ़ा उसका रूट बन जाता है। ये होती है फैक्टर थ्योरम। अब पॉलिनोम डिटर्मिनेंट में इसका हम कैसे यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट को किस तरह से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हैं, सॉल्व करते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, उसको देखते हैं आगे। ये था फैक्टर थ्योरम के लिए जो हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसको लिखते हैं, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ root of the polynomial equation, polynomial equation p f of x equal to 0, then x minus alpha is a factor of the polynomial, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ये होती है फैक्टर की डेफिनेशन का है, हम लोग जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जो आपको अभी एग्जांपल दिया। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट में इसको कैसे यूज़ करते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक डिटर्मिनेंट है डेल वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर, ये एक डिटर्मिनेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं लेट करता हूँ कि ये एक डिटर्मिनेंट एक जब इसको मैं एक्सपांड करूँगा तो एक्सपांड करने पे मुझे ए की मैक्सिमम पावर ए स्क्वायर मिलेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक पॉलिनोमियल है ए के अंदर, ए को वेरिएबल बना देते हो। आप चाहे तो बी को वेरिएबल बना सकते हैं, आप चाहे तो सी को वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए को वेरिएबल बनाया तो ये ए के अंदर एक पॉलिनोमियल आएगा सेकंड डिग्री का, क्योंकि जब एक्सपांड करोगे तो ए की मैक्सिमम पावर आपको टू मिलने वाली है। तो ए के अंदर ये एक पॉलिनोमियल बनेगा सेकंड डिग्री का, ठीक है। तो ये है आपके लिए द वैल्यू ऑफ डेल कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉलिनोमियल एज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इन ए। हमने यहाँ पे लेट किया है, जब इसको एक्सपांड करोगे तो ये
ए की मैक्सिमम पावर ए स्क्वायर में ओपन होगा, तो हमने इसको लेट किया कि ये है एक पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का ए के अंदर, ए यहाँ पे वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, इस ए की जगह बी पुट करता हूँ। इफ़ वी पुट ए इक्वल टू बी, इफ़ वी पुट ए इक्वल टू बी, तो ये क्या बनेगा, डेल वन ए ए स्क्वायर वन ए ए स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कोई भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, डेल जीरो आ गया। मतलब ये क्या है, ए इक्वल टू बी इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, या फिर यूँ कहें कि ये बी है वो ए का रूट है। इस पॉलिनोमियल के अंदर एक ए वेरिएबल वाला जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर बी है वो इसका रूट है, बी इज रूट ऑफ ए, तो ए माइनस बी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। उसको लिखते हैं, इफ वी पुट इक्वल टू बी इन डेल, देन डेल इक्वल टू जीरो, बी बी इज ए, बी इज अ रूट ऑफ ऑफ द पॉलिनोमियल, बी इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन डेल इक्वल टू जीरो इन ए। बाय फैक्टर थ्योरम ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल डेल, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल इक्वेशन डेल इक्वल टू जीरो इन ए। जब इसको आप एक्सपांड करोगे तो ए की मैक्सिमम पावर 2 आएगी, तो ए को अगर हम वेरिएबल ऐड करते हैं तो ये एक पॉलिनोमियल होगा सेकंड डिग्री का ए के अंदर। अब हमने क्या किया, ए इक्वल टू बी पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब बी है वो इसका एक रूट हो गया, तो ए माइनस बी इस पॉलिनोमियल के लिए एक फैक्टर बन जाएगा। जैसे हमने ए इक्वल टू बी पुट किया है और ए माइनस बी इसका फैक्टर बनाया, ठीक वैसे ही अब हम क्या करने वाले हैं, बी इक्वल टू सी पुट करने वाले हैं, तो क्या बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम बार बार ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, एक बार आप देख लीजिए, ए इक्वल टू बी पुट करने पे डेल इक्वल टू जीरो हो रहा है, हेंस ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू जीरो। ठीक वैसे ही बी इक्वल टू सी पुट करता हूँ, बी इक्वल टू सी इसकी जगह सी लिखता हूँ, तो वन सी सी स्क्वायर वन सी सी स्क्वायर, दोनों कॉलम एक जैसे हो जाएंगे, दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो भी इस डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इस केस में भी डेल की वैल्यू जीरो है, अगर डेल की वैल्यू जीरो है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट हो गया, रूट हो गया तो क्या बन जाएगा, ये एक फैक्टर बन जाएगा, तो बी माइनस सी इज अ फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू जीरो। ठीक वैसे ही थर्ड केस, सी इक्वल टू ए, ऐसा पुट करने पे सी की जगह ए पुट करने पे वन ए ए स्क्वायर वन बी बी स्क्वायर वन ए ए स्क्वायर, ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो भी डेल की वैल्यू जीरो, इस केस में भी डेल इक्वल टू जीरो, तो ऐसा करने से सी माइनस ए वो भी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अब आप देखिए, इसके आपको 3 फैक्टर मिल गए, ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये फैक्टर है ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या होगा मुझे, इफ इसकी जो पावर आएगी वेरिएबल की वो 3 आएगी, क्यूबिक पावर का एक एक्सपेंशन मिलेगा एक्सप्रेशन, क्यूबिक पावर का एक एक्सप्रेशन मिलने वाला है। ठीक वैसे ही इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो 1 बी इंटू सी स्क्वायर, 2 पावर सी की 1 पावर बी की 3 पावर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर सी बी पावर 2 की सी की पावर 1, 3 पावर का यहाँ से भी एक क्यूबिक एक्सप्रेशन मिलेगा और यहाँ से भी, इसका मतलब ये इसके फैक्टर है, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ इतने ही फैक्टर हो सकते हैं। अब इसके अलावा
यहाँ पे जो मल्टीपल में वो वन ही आएगा, ये फिक्स नहीं है, हो सकता है 2, 3, 4 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू है वो इसके इक्वल है। अब k क्या है, कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, जो अभी यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। अब हम इस k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ए बी सी को कुछ वैल्यू दे देते हैं। लेट a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 2, ये हमने इनको वैल्यू दे दी। ए की वैल्यू 0 क्यों दी, ऐसा इसलिए दिया कि 1, 0, 0 आ जाएगा, जब इसको एक्सपांड करूँगा तो मुझे सिर्फ एक के लिए एक्सपांड करने पड़ेगा, इसके लिए तो वैसे ही 0 आ जाएगा और हमारी कैलकुलेशन है वो छोटी हो जाएगी। अब ये वैल्यू इन दोनों के अंदर पुट करता हूँ, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, यहाँ पुट किया तो ये बना 1, 0, 0, 1, बी की वैल्यू 1, 1, 1, 2, 4 इक्वल टू के ए माइनस बी 0 माइनस 1 माइनस 1, बी माइनस सी 1 माइनस 2 माइनस 1 और सी माइनस ए 2 माइनस 0। इसको एक्सपांड करोगे तो 1 ये रो, ये कॉलम और ये रो को रिमूव कर दो, 4 इंटू 1 माइनस 2 4 माइनस 2 2, और यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -1 1 1 इंटू 2 2 2 इंटू k 2 k, यहाँ से आपको k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो अब इसके फैक्टर क्या हो गए, इसको आगे क्या लिखूँ मैं, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए, ये फैक्टर हो गए। या फिर यूँ कहें कि हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, आप इसको एक्सपांड करोगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। इस तरह से फैक्टर थ्योरम का यूज़ करते हुए कुछ इस तरह की क्वेश्चन हम लोग इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। कई बार प्रूव करने के लिए होता है तो हम इस तरह से प्रूव कर लेते हैं। वैसे एनसीईआरटी के अंदर कई फैक्टर थ्योरम है नहीं, लेकिन बहुत सारी बुक्स है जो बहुत डिफरेंट डिफरेंट बच्चे जो बुक सॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं बुक में कई बार ऐसे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व किए हुए रहते हैं, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन जेई के हो चाहे बोर्ड के हो। उस टाइम अगर समझ में नहीं आता कि ये फैक्टर थ्योरम क्या है या कैसे प्रूव किया, उसके लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेते हैं। तो ये था फैक्टर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट। अब इस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसका क्वेश्चन ये है, डेल इक्वल टू 1 a a क्यूब 1 b b क्यूब 1 c c क्यूब। अब इसको हम फैक्टर थ्योरम से उसी तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या लेट करते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके अंदर हम a को वेरिएबल लेट कर लेते हैं। जब इसका आप एक्सपांड करोगे इसको तो ए की मैक्सिमम पावर 3 आएगी। तो ये थर्ड डिग्री का, ये 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है ए के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस ए की जगह बी पुट करते हैं, ए इक्वल टू बी पुट करके चेक करते हैं, इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो ए है बी है वो ए का रूट हो जाएगा, तो ए माइनस बी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। बिल्कुल वही मेथड जो पीछे वाले की थी। इफ वी पुट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी then del इक्वल टू 0, a इक्वल टू b पे क्या आएगा, a इक्वल टू b पे del क्या बनेगा, 1 b b स्क्वायर 1 b b क्यूब 1 c c क्यूब। ये दोनों कॉलम हैं वो आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल होंगे तो del इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक वैसे ही तो a माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, ये तो फर्स्ट था, सेकंड के अंदर अगर हम पुट करते हैं बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी पुट करने पे भी डेल इक्वल टू 0 मिलेगा, बी इक्वल टू सी, यहाँ पे सी सी क्यूब आ जाएगा, दोनों कॉलम एक जैसे हो जाएंगे जिसमें जैसे इसमें हुए बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही, तो डेल की वैल्यू फिर आपको 0 मिलने वाले, फिर 0 मिलेगी। तो बी माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू 0। ठीक वैसे ही थर्ड पॉइंट है अपना, इफ सी इक्वल टू ए,
सी इक्वल टू ए पुट किया तो भी डेल आपको जीरो मिलने वाला है। इस केस में भी सी माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू जीरो। अब इस पॉलिनोमियल के हमको थ्री फैक्टर मिल गए, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। सी माइनस ए अब साथ में क्या कॉन्स्टेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है। अब इसको ध्यान से देखिए, तो जब आप इसको एक्सपांड करोगे, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो 1 बी इंटू सी क्यूब, ये फोर्थ पावर का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, फोर्थ पावर का एक्सप्रेशन मिलेगा, बी की पावर 1 और सी की पावर 3। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 पावर का एक्सप्रेशन मिलने वाला है, तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एक और कोई ना कोई फैक्टर होगा जो यहाँ पे एक्सप्रेशन की पावर को फोर्थ बनाएगा, तो वो हम लोग लेट कर लेते हैं। इस केस में हम लोग ऐसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये हो सकता है इसका पावर। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए के फाइंड कर लेते हैं। तो वही जो लास्ट टाइम किया था, लेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, सॉरी ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 2। सी इक्वल टू आप माइनस 1 भी ले सकते हैं। ये वैल्यू इसमें पुट की तो ये क्या मिलेगा हमें, 1 0 0 1 1 1 1 2 और 8 इक्वल टू के ए माइनस बी 0 माइनस 1 माइनस 1, बी माइनस सी 1 माइनस 2 माइनस 1, सी माइनस ए 2 माइनस 0 2 और ए प्लस बी प्लस सी 0 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया 3। इसको एक्सपांड करोगे तो ये तो 0 है ही आपके पास, 1 ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो, 1 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1 8 माइनस 2 6, यहाँ पे आपको 6 मिला और यहाँ पे भी आपको 6k मिला, तो यहाँ से आपको k इक्वल टू 1 मिल जाएगा, फिर से k इक्वल टू 1। तो इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो इस तरह से मिलेंगे, इस k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये मिल गए। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यू कहें या इसको एक्सपांड करने पे आपको ये चीज़ मिलेगी। हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी तो आपको बोला था, और कुछ जब प्रैक्टिस की थी प्रॉपर्टी पे तो आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन, जब 3-1 हो तो हम 2-0 ला सकते हैं, हम C3 माइनस C1 और C2 माइनस C1 करोगे 2-0 आएगा, फिर इसमें से बी माइनस ए बी माइनस सी इस तरह से कॉमन निकालेंगे, जब कॉमन निकाल के पूरा सॉल्व करोगे तो भी आपको यही मिलने वाला है। आप उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, लेकिन अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में इस मेथड से किया हुआ है तो मेथड क्या है और कैसे इसको सॉल्व किया है वो आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। ध्यान सिर्फ ये रखना होता है कि इसके अंदर जो है एक्सप्रेशन है वो फोर्थ पावर में आएगा, यहाँ पर हमने फैक्टर 3 निकाला तो एक फैक्टर को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी और ए बी। अब ये भी एक डेल है, फैक्टर थ्योरम से इसके भी फैक्टर फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वही पुट करते हैं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी करने पे डेल इक्वल टू 0 मिलेगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, ए इक्वल टू बी, ये हमने लिखा b, b स्क्वायर बी सी, ये b स्क्वायर और एक की जगह b, b c, c c स्क्वायर ए बी। अब ये दो कॉलम है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हो गए, आइडेंटिकल कॉलम होते हैं, इसकी वैल्यू 0, डेल इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा, डेल इक्वल टू 0 मिल गया। अगर डेल इक्वल टू 0 है तो a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू 0, ए माइनस बी इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक वैसे ही सेकंड है पुट, बी इक्वल टू सी, इससे भी हमको डेल इक्वल टू 0 मिल जाएगा और बी माइनस सी इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक वैसे ही थर्ड के अंदर सी इक्वल टू ए पुट किया
जिससे हमें डेल इक्वल टू जीरो मिला, तो सी माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ डेल इक्वल टू जीरो। थ्री फैक्टर फाइंड कर लिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से क्या देखना है कि जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक्सपांड करूँगा, तो ए इंटू बी स्क्वायर इंटू ए बी आएगा, टू पावर इसकी, वन पावर इसकी, थ्री पावर और वन पावर इसकी, फाइव पावर होगी टोटल। फाइव पावर का एक एक्सप्रेशन यहाँ मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ थ्री पावर का एक्सप्रेशन मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर फोर्थ पावर का एक्सप्रेशन मिल रहा था, इधर थ्री था, तो हमने ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर लिया था। यहाँ पे फोर्थ पावर का मिल रहा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन इसको देखते हुए एक चीज़ और हो सकती है, क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है जो इसको फिफ्थ पावर बनाएगा, या फिर बी सी प्लस ए सी प्लस सी, ये भी हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई से भी हमको फिफ्थ पावर मिल सकती है। तो हम लोग क्या करें, इसको ऐसा लिखिए, लैम्डा टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस म्यू टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बन गया। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये थ्री पावर मिली, ये इससे मल्टीप्लाई होकर फिफ्थ पावर हो जाएगी, और ये इससे मल्टीप्लाई होकर फिफ्थ पावर बन जाएगी। अगर इसमें से सिर्फ यही वैल्यू आ रही है, ये नहीं आ रही है, तो म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो मिल जाएगी, वो जीरो हो जाएगा, या फिर हमें सिर्फ ये मिल रहा है ये नहीं मिल रहा, तो लैम्डा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या फिर दोनों मिल रहे हैं तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी कि हमें दोनों की वैल्यू मिल जाए। अब हम के लैम्डा म्यू ये सब कैसे फाइंड करेंगे, ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी की कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं, और दो तीन वैल्यू पुट कर देते हैं, टू टाइम या थ्री टाइम, जिससे हमें इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइम तो हमने क्या किया, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन के अंदर कर रहे थे वैसे यहाँ पे करते हैं, लेट ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू वन और सी इक्वल टू माइनस वन, ऐसा पुट किया। ऐसा करने से ये क्या हो जाएगा, ए जीरो जीरो, बी और सी वन माइनस वन माइनस वन, बी क्या है वन, बी स्क्वायर वन, ए सी ए इंटू सी जीरो, फिर सी क्या है माइनस वन, सी स्क्वायर वन और ए बी जीरो। अब इधर क्या बनेगा, ए क्या है जीरो, जीरो माइनस वन के इंटू जीरो माइनस वन, बी माइनस सी वन माइनस माइनस वन टू, और सी माइनस ए माइनस वन माइनस जीरो माइनस वन, इंटू लेमड़ा टाइम, लेमड़ा टाइम ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर जीरो प्लस वन टू प्लस म्यू टाइम ए बी, ए इंटू बी जीरो, बी इंटू सी माइनस वन, सी इंटू ए जीरो माइनस वन, ये मिला। इसको एक्सपांड किया, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा वन इंटू वन प्लस टू प्लस माइनस प्लस वन इंटू वन वन माइनस माइनस वन टू, और ये माइनस वन माइनस टू, इधर माइनस टू, इधर बन रहा है माइनस वन वन इंटू टू टू के, और साथ में मल्टीप्लाई में है टू लेमड़ा माइनस म्यू, ये कैंसिल हुआ, माइनस वन इक्वल टू के टाइम टू लेमड़ा माइनस म्यू। ठीक वैसे ही दूसरी वैल्यू के लिए हम लोग ए जीरो बी वन सी की वैल्यू जीरो लेट कर लेते, तीसरी वैल्यू ए जीरो बी वन सी की वैल्यू टू पुट करते, इस तरह से हमें ये जैसे ये इक्वेशन मिली है, इसी तरह से दो इक्वेशन और मिल जाएगी, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको के लेमड़ा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इस के लैम्डा और म्यू की वैल्यू को आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको इसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग फैक्टर थ्योरम से डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ
टू बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, या फिर यूँ कहें बहुत सारे टॉपिक के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ये काम में आता है। अब हम लोग ये बोलते हैं जैसे मैट्रिक्स के अंदर पहले मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा, फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। इसमें हम लोगों ने एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि दो डिटर्मिनेंट हैं, उनका प्लस कोई वैल्यू आ रही है, कोई डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो हमने पहले बताया था, एक क्वेश्चन किया था इससे पहले लास्ट लेक्चर में, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसमें हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये खुद एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, और दो वैल्यू का सम किसी तीसरी वैल्यू के इक्वल आ रहा है। तो इसको एक्सपांड कर लो, इसको एक्सपांड कर लो, प्लस कर दो, इसको एक्सपांड कर लो, ये इसके इक्वल आ जाएगा अगर ऐसा है तो। तो इसके अंदर प्लस वाला तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना ही नहीं है, सेपरेटली एक्सपांड करके सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट के एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, ज़रूरत नहीं होती उसकी, या फिर यूँ कि उससे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा। और डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लीकेशन क्या है या प्रोडक्ट क्या है उसको समझते हैं। आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, ए और बी तो सेम साइज की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट उन दोनों के अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मतलब आप पहले दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करो, या फिर पहले इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करो फिर प्रोडक्ट करो, दोनों एक ही बात है। अब देखो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है, A1, A2, B1, B2, एक दूसरा मैट्रिक्स है L1, L2, M1, M2। अब ध्यान से देखिए, अगर मुझे AB फाइंड करना है, A इंटू बी, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा A1 L1 प्लस A2 M1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 L2 प्लस A2 M2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम B1 L1 प्लस B2 M1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम B1 L2 प्लस B2 M2। ये AB का प्रोडक्ट आ गया। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ A1 L1 प्लस A2 M1, A1 L2 प्लस A2 M2, और B1 L1 प्लस B2 M1, B1 L2 प्लस B2 M2। ये इसका डिटर्मिनेंट। अब आप इसको दोनों को प्रोडक्ट करोगे, माइनस ये प्रोडक्ट करोगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब वो वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है? ये वैल्यू इक्वल होने वाली है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो आएगा A1 A2 B1 B2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी L1 L2 M1 M2, इसका प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल होने वाला है, इसके इक्वल ऐसे A1 A2 B1 B2 और L1 L2 M1 M2, ये प्रोडक्ट है। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? इसकी वैल्यू फाइंड की, एक्सपेंशन डिटर्मिनेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हमने इसमें क्या किया है, रो और कॉलम से इनको मल्टीप्लाई किया है। अब डिटर्मिनेंट में आप ऐसा भी कर सकते हो, इन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको यही मिलेगा। देखिए, जैसे आपने क्या किया, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिलने वाला है अगर डिटर्मिनेंट के अंदर ही बात करें तो, A1 L1 A1 L1 प्लस A2 M1 प्लस A2 M1, फिर A1 A2 L2 M1 A1 L2 प्लस A2 M2। ठीक वैसे ही B1 B2 इंटू L1 M1 B1 L1 प्लस B2 M1 B1 B2 इंटू L2 M2 B1 L2 B1 L2 प्लस B2 M2, ये डिटर्मिनेंट हो गया। क्या ये और ये दोनों इक्वल है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट? हमने ये डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया, इन दोनों डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट की रो कॉलम से मल्टीप्लाई करके फाइंड किया, जो कि यहाँ पे रो कॉलम को मल्टीप्लाई करने से फाइंड करने से आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि हमने सिर्फ मैट्रिसेस का जो साइन था रेक्टेंगल वही हटा के ये दोनों बार लगाए हैं,
इस तरह से, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इससे ये मिला, ये है डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पर रो और कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की सभी रो को कॉलम में या सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट करोगे तो उसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ए बी का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। अब हमें पता है, क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, होता है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं b की जगह ये पुट कर दूँ b ट्रांसपोज, तो ए बी का होल डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ट्रांसपोज ये बन जाएगा। अब आप ये बताइए कि इस प्रॉपर्टी से ए बी का ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट b डिटर्मिनेंट हो जाएगा ट्रांसपोज, क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी होल डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसमें हमने क्या किया था, ए इंटू बी, रो इंटू कॉलम, रो कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे बी ट्रांसपोज हो गया, जो रो थी वो कॉलम बन गई, जो कॉलम थी वो रो बन गई। अब यहाँ पे रो इंटू कॉलम नहीं, कॉलम तो रो बन गए, रो इंटू रो से मल्टीप्लाई हुआ। कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट है वो रो इंटू कॉलम से ही नहीं, ज़रूरी नहीं है रो इंटू कॉलम से नहीं, रो इंटू रो से भी हो सकता है और उसकी वैल्यू भी उसके इक्वली आएगी जो रो इंटू कॉलम से कर रहे हैं आप। डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है वो रो इंटू कॉलम से तो होता ही होता है, लेकिन आप रो इंटू रो से भी कर सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी वही होता है। किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आप डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू वही मिलेगी जो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स की वैल्यू मिल रही है। ओरिजिनल मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे, और ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर वो चेंज हो जाता है, रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से देखने पर समझ आ रहा है कि इसमें रो कॉलम हुआ है तो इसमें रो रो हुआ होगा, लेकिन दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। तो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है वो रो कॉलम हो चाहे रो रो हो, वैल्यू सेम आने वाली है। तो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है वो रो रो भी हो सकता है। मैट्रिक्स के अंदर ये क्यों नहीं हो सकता उसको समझते हैं। अब इसको देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ से मैट्रिक्स में क्या होता है, ये एक मैट्रिक्स है ए, ये मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका ऑर्डर एन बाय पी है, ये दोनों इक्वल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे बी ट्रांसपोज, तो इसका ऑर्डर पी क्रॉस एन हो जाएगा और इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, अंदर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे, ए एन बाय एन और बी, ये भी एन बाय एन ही होगा प्रोडक्ट करना है तो। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे बी ट्रांसपोज, तो उसका ऑर्डर भी एन क्रॉस एन ही रहने वाला है और इसका ए एन क्रॉस एन। इस केस में भी ये दोनों इक्वल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, इस केस में भी दोनों इक्वल है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो इसके अंदर ट्रांसपोज करने में कोई चेंज नहीं आता है, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट में भी कोई चेंज नहीं आता है। आप चाहे ट्रांसपोज करो और फिर प्रोडक्ट करो, या फिर प्रोडक्ट करके फिर ट्रांसपोज करो, एक ही चीज़ है। ठीक वैसे ही जैसे आपने ये प्रूव किया है, वैसे आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के इक्वल होती है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इसकी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी के इक्वल होती है। इसमें हमने जो मल्टीप्लाई किया था रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है रो इंटू रो, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है, ये रो अब कॉलम बन गए, कॉलम इंटू कॉलम, इसमें आपने मल्टीप्लाई किया है, अब ये रो कॉलम बन गए और ये कॉलम रो बन गए, कॉलम इंटू रो। तो डिटर्मिनेंट का जो प्रोडक्ट है वो रो कॉलम, रो रो, कॉलम रो, कॉलम कॉलम, इन चारों ही मेथड से प्रोडक्ट पॉसिबल है डिटर्मिनेंट का। वो कैसे होता है वो अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो, रो को रो से, कॉलम को रो से, कॉलम को कॉलम से, इन सभी की वैल्यू सेम ही होने वाली है। ज़्यादातर हम लोग
रो इनटू कॉलम ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मैट्रिक्स के अंदर हमने प्रैक्टिस ही रो इनटू कॉलम से की हुई है, इसलिए कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है प्रूव वाले क्वेश्चन में या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ईजी रहते हैं रो इनटू रो से, तो वहाँ रो इनटू रो भी यूज़ करते हैं। अब इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट और भी अपना स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1, 3 और प्रोडक्ट है 3, 0, -1 और 4। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अब एक चीज़ तो क्या आपके माइंड में आ रही होगी कि सर ये डिटरमिनेंट है एक वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट है एक वैल्यू है, दोनों का एक्सपांड करके वैल्यू निकाल के प्रोडक्ट कर दो, हो गया काम। बिल्कुल सही, ऐसा भी कर सकते हैं आप। जैसे इसके इसके सॉल्यूशन को कितनी मेथड से सॉल्व करते हैं इसको, इसको पहले एक्सपांड कर लेते हैं। ये आएगा 1 × 3 - -1 × 2, प्रोडक्ट है इसका इसके साथ 3 × 4 - -1 × 0, ये हो गया 3 - -2 इंटू प्रोडक्ट है 12 - 0, ये 5 × 12 = 60 आ गया, हो गया। लेकिन अगर आप इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में करना चाहो तो कैसे करेंगे? अब इसको देखो, रो इंटू कॉलम से करते हैं पहले, फिर रो इंटू रो से बताएंगे। 1 × 2 - 1 = 3, 3 × 0 - 1 × 4। हम इसको ऐसे रो कॉलम से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्यों बताया आपको? क्योंकि जब ये दोनों मैट्रिक्स थी डिटरमिनेंट होने से पहले, अगर मैं मान लूँ कि ये दोनों मैट्रिक्स ही, उनका प्रोडक्ट करूँगा रो इनटू कॉलम से, फिर डिटरमिनेंट फाइंड करूँगा, या दोनों का डिटरमिनेंट अलग अलग फाइंड करके मल्टीप्लाई करूँ, तो भी वैल्यू सेम आ रही है। तो इसका मल्टीप्लाई मैं रो इनटू कॉलम से करता हूँ, रो कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 1 × 3 + 2 × -1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × 0 + 2 × 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 + 3 × -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 × 0 + 3 × 4, ये हो गया 3 - 2 = 1, 0 + 2 × 4 = 8, -3 - 3 - 6, ये हो गया -1 × 0 = 12, ये हो गया 12 - - +48, ये = 60 आ गया रो इंटू कॉलम। अब एक और तरीके से बताता हूँ रो इंटू रो से, ये है 1 × 2 - 1 = 3 × 3 = -1 = 4, रो इंटू रो से, ये रो बाय रो से कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा। ये देखिए इसमें कैसे करते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इस जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट है इसकी फर्स्ट रो में आएगा। इसका जो फर्स्ट रो यूज़ कर रहे हो तो इसका जिसके साथ भी प्रोडक्ट होगा वो इस फर्स्ट रो में ही आएगा, फर्स्ट रो, और इसकी भी फर्स्ट रो तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। ये तो क्या बताएगा कि आप फर्स्ट रो में ही जाओगे, ये क्या बताएगा फर्स्ट रो है तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा, सेकेंड रो है तो सेकेंड एलिमेंट बनेगा, ये फिर सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो क्या बताएगा रिजल्टेंट डिटरमिनेंट है उसकी सेकंड रो में एलिमेंट जाने वाले हैं, और ये क्या बताएगा सेकंड रो एलिमेंट के अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, रो इंटू रो, 1 × 3 + 2 × 0, 1 × 3 + 2 × 0, ये हो गया आपका रो रो, फर्स्ट रो फर्स्ट रो, ये बताएगा कि फर्स्ट रो में जाना है, ये बताएगा कि फर्स्ट प्लेस पर जाना है, फिर रो इंटू सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो क्या बताएगा कि आपको रो में ही जाना है, और ये सेकेंड रो क्या बताएगा कि सेकेंड प्लेस पे जाना है, फर्स्ट रो के सेकेंड प्लेस, ये बन जाएगा 1 × -1 + 2 × 4, फिर सेकेंड रो फर्स्ट रो, ये क्या बताएगा कहाँ जाना है आपको, सेकेंड रो में जाना है, और ये क्या बताएगा आपको कौन से प्लेस पे जाना है, फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड रो फर्स्ट प्लेस, तो -1 × 3 + 3 × 0, फिर सेकेंड रो ये सेकेंड रो में आपको भेजेगा
और ये बताएगा आपको सेकंड प्लेस पे जाना है, माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर ये हुआ। आगे और सब सॉल्व करें, थ्री इंटू वन इंटू थ्री थ्री, थ्री प्लस टू इंटू जीरो थ्री आया, वन इंटू माइनस वन, माइनस वन प्लस टू इंटू फोर सेवन हुआ, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, और माइनस वन इंटू वन वन, थ्री फोर ट्वेल्व थर्टीन। अब इसका एक्सपांशन करता हूँ, थ्री इंटू थर्टीन ये हुआ 39, 39 माइनस 21, माइनस माइनस प्लस 21, 39 प्लस 21 इक्वल टू 60। ये था दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट। अब आप आपके सामने इतनी सारी मेथड है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो MCQs के अंदर। लेकिन ये तो सिर्फ वैल्यू दे रखी है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री वाली कुछ टर्म यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कुछ टर्म यूज़ करते हैं। ऐसे केस में हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें जहाँ पे हमें ऐसे प्रोडक्ट करना ही करना पड़ेगा, इस तरह से या इस तरह से, उसी से हम प्रूव कर पाएंगे। अगर नहीं करेंगे ऐसा प्रोडक्ट, इस तरह से करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, दो तीन पेज भर जाएंगे, फिर भी हम रिजल्ट पर नहीं पहुँचेंगे। हो सकता है बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, तो ये बहुत काम आएगा ये वाली और ये वाली मेथड। कहाँ पे? जब हमें प्रूव करना होगा, बहुत बड़े बड़े डिटरमिनेंट दे रखे होंगे, उसको प्रूव करना होगा कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, उस केस में हम उसका प्रोडक्ट बनाएं, दो ब्रेक करेंगे दो डिटरमिनेंट, कि ये एक डिटरमिनेंट गिवन है, ये इन दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट ये हो सकता है और इसकी वैल्यू हमें पता है, इस तरह से उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन कुछ प्रोडक्ट पे बेस्ड। इसके प्रोडक्ट के बेस एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, प्रूव दैट ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई वन, ए वन एक्स टू प्लस बी वन वाई टू, ए वन एक्स थ्री प्लस बी वन वाई थ्री, ए टू एक्स वन बी टू y1, a2 x2 plus b2 y2, a2 x3 plus b2 y3, a3 x1 plus b3 y1, a3 x2 plus b3 y2, a3 x3 plus b3 x3। इसकी वैल्यू जीरो है, ये हमें प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो क्या, इसका पूरा एक्सपेंशन कर दो, एक्सपांड कर दो इसको, ये रो कॉलम छोड़ के इसका प्रोडक्ट फिर सॉल्व करते जाओ, बहुत ही लेंदी होगा और कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, दो तीन बार करना पड़ेगा। दूसरा तरीका, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है, इसमें जो प्लस आ रहा है उसको देखने से लग रहा है, क्या ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होके आया है? ऐसा भी हो सकता है कि दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट से ही बनाओ, क्योंकि अभी हमने देखा था जब प्रोडक्ट करते हैं तो रो वाइज या रो कॉलम वाइज प्रोडक्ट करते हैं, तो फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस आता है, फिर सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एंड मल्टीप्लाई, इस तरह से कुछ बन रहा है, प्लस 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 सब आ रहा है इसके अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट से बनाओ, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर A1 B1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मैं A1 B1 और यहाँ पे कोई भी एक C1 ले लेता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मुझे X1 Y1 से करना पड़ेगा, तभी A1 X1 और B1 Y1 मिलेगा, ये X1 ये Y1। अगर मैं यहाँ पे तीसरी कोई और वैल्यू लिखता हूँ तो कोई और वैल्यू आ जाएगी जो मुझे चाहिए नहीं, तो मैं जीरो लिख देता हूँ। ऐसा करने से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1X1 प्लस B1Y1 प्लस जीरो हो जाएगा, ये टर्म हमें मिल जाएगी। दूसरी टर्म के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में क्या चाहिए, A1X2 चाहिए, A1 है तो हमने यहाँ पे X2 लिख दिया, B1Y2 चाहिए Y2 लिखा, और थर्ड टर्म है नहीं तो जीरो लिख दिया। ठीक वैसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के अंदर A1X3 B1Y3 है, A1 अपने पास है B1 है तो ये हमने लिखा X3 Y3 और जीरो। अब आप इसका प्रोडक्ट कीजिए, A1X3 B1Y3 प्लस जीरो, ये टर्म आ गए। ठीक वैसे ही
सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम में ए टू एक्स वन है, बी टू वाई वन है, एक्स वन वाई वन तो है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, ए टू और बी टू, ए टू बी टू सी टू। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए टू एक्स वन बी टू वाई वन ये रहा, ए टू एक्स टू बी टू वाई टू ये रहा, ए टू एक्स थ्री बी टू वाई थ्री ये रहा। ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या चाहिए होगा, देखने से समझ आ जाएगा, यहाँ पे ए थ्री बी थ्री और सी थ्री चाहिए। अब इनका प्रोडक्ट कीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है इन दोनों के प्रोडक्ट से आया है। अब हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तो क्या होगी नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता है कि इसके एक रो के सारे एलिमेंट जीरो, तो ये जीरो बनाएगा और इससे मल्टीप्लाई होके ये इसकी जो भी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो आएगी। अब कई लोग ऐसा भी करते हैं कि सर यहाँ पर सी वन भी क्यों लिखो, यहाँ पर भी जीरो लिख दो, जीरो जीरो जीरो, ये मल्टीप्लाई होकर भी तो वही वैल्यू दे रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप दोनों में जीरो रखो, या फिर इसमें जीरो रखो, इसमें कोई और सी वन सी टू सी थ्री दे दो, या फिर यहाँ पे सी वन सी टू सी थ्री दे दो, यहाँ पे जीरो जीरो दे दो, उससे भी यही आएगा। और इसको जीरो जीरो पुट किया, इसके सारे एक ही कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए, ये जीरो आया और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से देखिए, अगर आप इसको एक्सपांड करने जाते तो कितना लेंथी क्वेश्चन होता। आपने अगर समझा कि इसके दो प्रोडक्ट हो सकते हैं या दो प्रोडक्ट के डिटर्मिनेंट से ये बना हुआ है, आपने ब्रेक किया तो सिंपली इसका आंसर मिल गया आपको जल्दी से शॉर्ट में। कुछ और क्वेश्चन है नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है, शो दैट वन कॉस बीटा माइनस गामा कॉस गामा माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा वन कॉस गामा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस गामा कॉस बीटा माइनस गामा और वन, इसकी वैल्यू जीरो है, ये हमको प्रूव करना है। पहले तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी वो यूज़ कर लेते हैं। कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, पहले तो ये दिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या ये भी ऐसा हो सकता है कि दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से बनाओ, मे भी ऐसा हो सकता है कि दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट बन गए और ये बनाओ, वो भी चेक हो जाएगा। तो पहले इसको लिखा वन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हुआ कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, यहाँ से मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला वन इधर, ये बना कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, ये बना कॉस अल्फा कॉस गामा साइन अल्फा साइन गामा, ये बना कॉस बीटा कॉस गामा साइन बीटा साइन गामा, ये बना वन। अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है, ये एक डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट का एक एलिमेंट, ये प्रोडक्ट हुआ फिर बीच में प्लस आया, ये प्रोडक्ट हुआ फिर बीच में प्लस आया। अब ये भी हो सकता है कि दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट से आया हो, एक बार सोचिए इस पर कैसे बना होगा। तो इसके हम दो डिटर्मिनेंट बनाने जाएं तो एक चीज़ समझ आ रही है, यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा बनना है साइन अल्फा साइन बीटा, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो के अंदर हम लोग ले कर लेते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा वन, और इधर आ गया साइन अल्फा साइन बीटा और ये जीरो लेट कर लेते हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी इधर आ जाएगा साइन बीटा
कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा इधर लिख लेते हैं, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा इधर और साइन बीटा इधर। अब आप प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में क्या है, कॉस अल्फा कॉस गामा साइन अल्फा साइन गामा, कॉस अल्फा साइन अल्फा तो है और यहाँ पे लिखते हैं कॉस गामा साइन गामा, ये आया कॉस अल्फा साइन गामा। सेकंड के अंदर देखिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा तो आ चुका है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब ये कॉस बीटा साइन बीटा अब यहाँ पे आ जाएगा, कॉस बीटा साइन बीटा वन और कॉस अल्फा साइन अल्फा इधर आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा और इसको भी मैं जीरो जीरो ले लेता हूँ, ये जीरो, ये जीरो आ गया। अब थर्ड वाला देखने से समझ आ रहा है कि कॉस गामा साइन गामा और ये जीरो आ गया। अब ये वाला जो है हमें पता है डिटरमिनेंट के एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है, इसके वैल्यू जीरो, इसके सारे एलिमेंट जीरो है, इसके वैल्यू जीरो, जीरो इंटू जीरो क्या मिल जाएगा हमें जीरो, ये इसकी वैल्यू हमें जीरो मिल गई, ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट से इस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं या इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छा टॉपिक है या बहुत ही अच्छा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उस डिटरमिनेंट के किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उस डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिख दें और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, कोफैक्टर लिखने के बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें तो ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट था उसमें क्या रिलेशन होता है। ये है क्वेश्चन, ये है कि आपने क्या किया, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उसके एलिमेंट्स की जगह उसके कोफैक्टर लिख दिए, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, उस डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट की जगह उनके कोफैक्टर लिख दिए। अब आप उसका वैल्यू फाइंड करो तो जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उससे क्या रिलेशन बनता है, उसकी जो वैल्यू मिल रही है और इसकी जो वैल्यू, इन दोनों में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं या फिर ये देखिए टॉपिक है, इफ D dash is determinant obtained by cofactors then value of D dash equal to D raised to n minus 1। इसको प्रूव करते हैं, प्रूव क्या है करना है कि डी डैश है वो डिटरमिनेंट है, उसके कोफैक्टर से बना हुआ। तो हम लोग लेट करते हैं, लेट एक डिटरमिनेंट डी है वो लेट किया, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और इसके एलिमेंट्स की जगह इनके कोफैक्टर लिख के और फिर उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें डी डैश, तो वो क्या बनेगा, सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री। ये हमने इसके कोफैक्टर से डिटरमिनेंट बनाया, ये था डिटरमिनेंट और इसके एलिमेंट्स की जगह इनका कोफैक्टर लिखे और नया डिटरमिनेंट बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, डी इंटू डी डैश ये बन जाएगा आपका ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री और ये प्रोडक्ट है सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब आप ध्यान से देखिए, हम रो कॉलम से इसका प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, ए वन वन रो इंटू रो से, रो बाय रो से इसका प्रोडक्ट करते हैं,
a11 c11 plus a12 c12 plus a13 c13। हमने कोफैक्टर की एक थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ा था कोफैक्टर वाला, कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम लोग इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के कोई भी एलिमेंट हो, मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करें और उनका सम करें तो वो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू को देते हैं। लेकिन अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो के एलिमेंट्स है वो किसी अनदर रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो आती है। अब ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ करते हैं, ये रो है और इसी के एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोफैक्टर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल। ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो के कोफैक्टर है तो जीरो आ जाएगा, ये थर्ड रो के कोफैक्टर है जीरो आ जाएगा, सेकंड रो और फर्स्ट रो जीरो, सेकंड रो जीरो, सेकंड रो थर्ड रो जीरो, थर्ड रो फर्स्ट रो जीरो, थर्ड रो सेकंड रो जीरो, थर्ड रो थर्ड रो, ये आ जाएगा डेल। ये मिला, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो डेल क्यूब मिल जाएगा, डेल क्यूब। और हमने क्या बोला था कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, डी, तो डी डी डैश इक्वल टू ये डी क्यूब आ गया, तो डी डैश इक्वल टू डी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी डैश इक्वल टू डी की पावर 3-1 n-1, n इसका ऑर्डर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम आने वाले अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर उसके एलिमेंट्स की जगह उसके कोफैक्टर को लिख दे और उसका जब डिटरमिनेंट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट थी उसकी वैल्यू का पावर n माइनस वन होगा, जहाँ पे n है वो उसका ऑर्डर है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन एक्स इक्वल टू थ्री देन फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी एक्स क्यूब माइनस वन जीरो, एक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर जीरो, एक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स माइनस एक्स टू द पावर फोर एक्स क्यूब माइनस वन जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें, इस टर्म तो ये टर्म, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन और एक्स, इसका अगर मैं कोफैक्टर फाइंड करने जाऊँ, इसका कोफैक्टर तो क्या आएगा, इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर मतलब ये रो कॉलम छोड़ दो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब माइनस वन इसका कोफैक्टर, ठीक वैसे इसका कोफैक्टर ये रो और कॉलम को छोड़ दो, x इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस लग जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब क्या बन जाएगा, इंटू एक्स ये बन जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, ये बन गया जीरो, ये इसके लिए ये रो और कॉलम छोड़ दो, प्लस आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर एक्स माइनस एक्स फोर। क्या ध्यान से देखो, कुछ ऐसा ही है ये, मतलब क्या किया इन्होंने, ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जगह इनके कोफैक्टर लिख दिया, इनकी जगह इसके कोफैक्टर लिख दिया, फिर इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया है, तो एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर लिख के डिटरमिनेंट फाइंड करना है, वो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, अभी बताया था डी डैश इक्वल टू डी डैश टू एन माइनस वन, ये है डी डैश, ये रहा आपका डी और एन है थ्री, एन है ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट,
और वो कितना है 3। अब सारी वैल्यू पुट कर दो तो डी डैश आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी है 3, 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 की पावर 2, 9। तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 9 ये मिल गया। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। नोट कीजिए इसको। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए अपने पास बहुत सारी मेथड होती है। जैसे हमको अगर ट्राइंगल की साइड्स गिवन है तो हेरन्स फार्मूला, कोऑर्डिनेट गिवन है वर्टेक्स के तो हम कैसे फाइंड करते हैं, दो साइड और एंगल गिवन है तो हाफ ए बी साइन सी, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक फार्मूला होता है, एक ट्राइंगल ए बी सी है और उसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ये कोऑर्डिनेट गिवन है इस ट्राइंगल के वर्टेक्स के, तो इसका एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो होता है 1/2 x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। ये बन गया इसका एरिया। अब हम लोग क्या करें, इसी टर्म को, ये जो हमने टर्म लिखी है इसी को अगर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1। अब आप देखिए, जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको बिल्कुल यही टर्म मिलने वाली है। जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो आपको यही टर्म मिलने वाली है, मतलब इसकी जगह आप ऐसा लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होज वर्टाइसिस आर गिवन। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर गिवन हो x1, y1, x2, y2, x3, y3 तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1, 1, x2, y2, 1 और x3, y3, 1 into 1/2। बस यहाँ पे ध्यान का रखना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है, तो हमें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है, इसके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हमें लेनी है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब इस पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमें कोई वर्टेक्स गिवन हो तो हम लोग वर्टेक्स को पुट करके एरिया फाइंड कर लेते हैं। कई बार क्या होगा कि हमें एरिया गिवन होगा और कोई वर्टेक्स का कोई एक कोऑर्डिनेट पूछा होगा, उस केस में ध्यान रखना जब भी एरिया गिवन है और किसी वर्टेक्स का एक कोऑर्डिनेट हमको पूछा है तो उस एरिया को प्लस माइनस लिखना 2 टाइम, एक बार प्लस लेके सॉल्व करना, एक बार माइनस लेके सॉल्व करना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एरिया है, इसकी वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है जिसको हमने पॉजिटिव बनाया होगा, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव ही बनाया होगा। तो इस केस में हमें नहीं पता कि जो एरिया लिखा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाए या पॉजिटिव से ही पॉजिटिव बनाए, तो दो बार उसको लेट करें, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। इससे आपको उस कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू मिलेगी, आपको आंसर हमेशा दो ही मिलेगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरिया गिवन है, किसी एक वर्टेक्स के एक कोऑर्डिनेट पूछा गया और उसकी दो वैल्यू है, वो इसीलिए दो वैल्यू आती है क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम प्लस माइनस लेते हैं, तो हमें पता नहीं वो एरिया प्लस में आया था या माइनस में आया था, उससे उसने प्लस पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का और यूज कहाँ पे है, ये तो था एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब हमने 2D ज्योमेट्री के अंदर एक चीज़ पढ़ी है कि अगर कोई भी थ्री पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो उनसे कभी कोई ट्राइंगल नहीं बनता। थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर तो कभी उससे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर आप उससे ट्राइंगल बनाओगे तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया हमेशा जीरो होगा। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, नेक्स्ट है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। अब ये क्या चीज है कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, ये क्या चीज है इसको देखिए। आपके पास थ्री पॉइंट है, एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2, एक पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट x3, y3। ये कोऑर्डिनेट आ गए।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों कोलिनियर हैं तो इनसे कभी ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। जब ट्राइंगल नहीं बन सकता तो इसका जबरदस्ती ट्राइंगल बनाएंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो इफ थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर देन कंडीशन क्या होगी कि ये जो एरिया है एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन वो हमें जीरो मिलेगा। तो ये वन बाई टू भी इधर जाके क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये है कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, कंडीशन फॉर टू थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, कंडीशन फॉर थ्री पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, कोलिनियर। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। अब ध्यान से देखिए, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास दो पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट है, ए जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू कॉमा वाई टू। अब इस पर एक जनरल पॉइंट लेट कर लेते हैं हम लोग, पी। पी एक जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई। अब ये तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे एक ही लाइन में, अगर कोलिनियर है तो इनसे बने ट्राइंगल का एरिया फिर जीरो, ट्राइंगल का एरिया जीरो है तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई वन एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन इक्वल टू जीरो। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x, y मतलब p है वो जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x और y के अंदर ये एक इक्वेशन बनेगी, उसी को बोलता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर दो पॉइंट आपको गिवन है, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पूछा है तो हम लोग डिटर्मिनेंट में इस फॉर्म से फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through two given points से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इस तरह से होती है। थ्री पॉइंट्स अगर कोलिनियर तो उसकी कंडीशन ये है, और अगर थ्री वर्टेक्स गिवन है किसी भी ट्राइंगल एबीसी के, ट्राइंगल ए बी सी के थ्री वर्टेक्स गिवन है एक्स वन कॉमा वाई वन एक्स टू कॉमा वाई टू और एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री, तो उस ट्राइंगल का एरिया ऐसे फाइंड करता है। ये कुछ एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट की, और भी एप्लीकेशन है लेकिन पहले इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर और एप्लीकेशन पर जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस, हुज वर्टाइसेस आर 2.7 1.1 and 10.8 and 10.8। ये तीनों वर्टेक्स गिवन है और एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले एक्स वन वाई वन वन, या फिर यूँ कहिए एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है ए बी सी के, कोऑर्डिनेट है 2.7 1.1 एंड 10.8। इसको हम लोग x1 y1 बोल देते हैं, x2 y2 और x3 y3। तो x1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये आ गया डिटरमिनेंट। अब इसका एरिया क्या होगा, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया हाफ, ये 2 इस रो और इस कॉलम को लीव कर दिया, 1 into 1 माइनस 8 माइनस सेवन,
ये रो और कॉलम को छोड़ दिया, बाकी बचा हुआ 1 × 1 − 10, 1 − 10 प्लस 1 प्लस 1 × इस रो और कॉलम को छोड़ दिया 1 × 8 − 10, 8 − 10 ये बन गया आपका 1/2, 2 × 1 − 8 7, 2 × −7 −7 × −9 प्लस 1 × −9 ये हुआ 1/2 −14 प्लस 63 प्लस −9 ये हुआ 47/2 ये एरिया फाइंड करें। इस तरह से आपको वर्टेक्स तीनों गिवन होंगे उसके कोऑर्डिनेट और आपको एरिया फाइंड करना है तो आप इस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछा गया है फाइंड एक्स इफ इफ द पॉइंट्स इफ द पॉइंट्स 2, −5 एंड −4, −5 एंड x, 15 आर कोलिनियर आर कोलिनियर। एक्स फाइंड करना है और तीनों ये कोलिनियर हैं। हमने अभी देखी थी कोलिनियर की कंडीशन, तो कोलिनियर की कंडीशन होती है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 = 0। अब हमारे पास x1 y1 की जगह है 2, −5 2, −5 1 −4, −5, 1 और एक है x, 15, 1 ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले 2 ये रो और कॉलम को छोड़ दिया 5 × 1 − 15 × 1 5 − 15 − 5 +5 हो गया, ये रो और कॉलम को छोड़ दिया −4 × 1 − 4 − x +1 × 1 − 4 × 15 −60 −5x −5x = 0 ये हो जाएगा 5 − 15 − 10 × 2 −20 −4 × 5 −20 −5x −60 −5x = 0। अब इसको ध्यान से देखिए −20 − 20 −40 − 60 −100 और ये −10 देन x = −10 ये x की वैल्यू मिल गई हमको −10। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा है, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2, 3, 8। अब आप बोलोगे सर इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोगों ने 11th क्लास स्टेट लाइन में पढ़े हैं, y − y1 y2 − y1 x2 − x1 × x − x1। बिल्कुल वो जो हमने फाइंड किया था और इस डिटरमिनेंट से फाइंड करे दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो ऐसा लिखो y − y1 y2 − y1 x2 − x1 x − x1 या फिर ऐसा लिखो x1 y1 1 x2 y2 1 = 0। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। कैसे है? जैसे मैं बोलता हूँ इसमें अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ कि R3 के अंदर R3 − R2 एंड R2 के अंदर R2 − R1 तो ये क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा x y 1, R3 में x2 − x1 y2 − y1 0, x1 − x y 1 − y 0। अब आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपांड कीजिए, एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, ये रो कॉलम छोड़ दो
एक्स वन माइनस एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई वन, एक्स वन माइनस एक्स इंटू वाई टू माइनस वाई वन माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन और वाई वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो है। अब जैसे आप इस टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो y माइनस वाई वन हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन। फिर जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही मिल जाएगा। मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। तो आप लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन में फाइंड किया था दो पॉइंट से इसमें पुट करके और यहाँ पुट कर, दोनों से एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन हम लोग डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग इससे सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर हमको टू पॉइंट्स गिवन है तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई वन वन टू वन थ्री एट और वन इक्वल टू जीरो। एक्सपांड किया एक्स इंटू टू इंटू वन माइनस एट टू माइनस एट माइनस वाई वाई वन इंटू वन माइनस थ्री वन माइनस थ्री प्लस वन, ये वन इंटू एट माइनस थ्री इंटू टू एट माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये हुआ माइनस सिक्स एक्स माइनस प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। टू से डिवाइड किया तो माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। माइनस से मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये लाइन की इक्वेशन मिल गई। आप चाहते तो उसको उस फॉर्म में भी फाइंड कर सकते थे, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, उस तरह से तो भी आपको यही मिलता। इस डिटरमिनेंट की फाइंड किया तो भी यही मिलेगा। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन इफ़ टू पॉइंट्स आर गिवन, और ये है कोलिनिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। नेक्स्ट है ये तो थ्री एप्लीकेशन जो हमने इसकी पढ़ी डिटरमिनेंट की। नेक्स्ट और कुछ एप्लीकेशन है वो भी देखिए। फोर्थ एप्लीकेशन है कंडीशन फॉर थ्री लाइंस टू बी कॉन्करेंट। मतलब थ्री लाइन है वो एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, थ्री लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, थ्री लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसकी क्या कंडीशन बनेगी। हम लोग लेट करते हैं थ्री लाइन कंसीडर लाइंस आर, हमने पास जो थ्री लाइन्स है वो है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। अब ये पॉइंट फाइंड करना हो, अगर ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन ये दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये, तो क्या हो सकता है इन दोनों लाइन को सॉल्व करके हम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लें। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस थर्ड के अंडर पुट करते हैं, अगर ये भी इसी लाइन से इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो वही तो कंडीशन हुई थ्री लाइन के एक ही पॉइंट से पास होने वाली। अगर थ्री लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, कोई भी दो लाइन को सॉल्व करो पॉइंट फाइंड करो वो तीसरी लाइन में पुट करो, वो इसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी क्योंकि ये लाइन भी उसी पॉइंट से पास हो रही है। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, ये फाइंड कर लिए, इन दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इनका, ये आएगा सी वन सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू पॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन कॉमा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन पॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये हमको पॉइंट मिला। ये पॉइंट किस पे होगा, थर्ड लाइन पे होगा। दिस पॉइंट लाइक ऑन थर्ड
लाइन, ये पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट पे, थर्ड लाइन पे लाई करेगा, तो हम लोग क्या करें इस पे पुट कर देते हैं, तो ए थ्री इंटू एक्स की जगह पुट किया सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन प्लस बी थ्री, वाई की जगह लिखा सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ए थ्री सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू प्लस बी थ्री सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन प्लस सी थ्री इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन आ गई किसकी, थ्री पॉइंट्स के कॉन्करेंट होने की, तीनों पॉइंट तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जब आप इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा मिलने वाला है। इसका मतलब आप इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो हुआ क्या, इन तीनों लाइन के कॉन्करेंट होने की कंडीशन को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, डिटर्मिनेंट बनाया और जीरो। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ रही है, तो ये तीनों लाइन है वो कॉन्करेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये कंडीशन आ गई थ्री पॉइंट थ्री लाइन के कॉन्करेंट होने की, तीनों लाइन के एक ही पॉइंट से पास होने की। दो लाइन को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया, थर्ड पॉइंट में थर्ड लाइन में पुट किया, तो इसको सेटिस्फाई किया, ये कंडीशन बन गई। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से लिखा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये है इफ या फिर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन्स 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0 ax प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है, तो इस a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब कॉन्करेंट की कंडीशन अभी हमने देखी क्या थी, 2 1 माइनस 1 a 3 माइनस 3 3 2 माइनस 2, ये 0 होना चाहिए। इसको एक्सपांड किया 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 1 माइनस 1, ये हुआ माइनस 2 ए माइनस 2 ए माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 2 ए प्लस 9 माइनस 1, ये बन जाएगा 2 ए माइनस 9 2 ए माइनस 9 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो ही गया, ये प्लस 2 ए माइनस 9 माइनस 2a प्लस 9 इक्वल टू 0, ये सॉल्व हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। आप a की कुछ भी वैल्यू पुट करो, a की कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा आपको क्या देने वाला है, ऑलवेज a की कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ये हमेशा आपको ये 0 बनाएगा ही बनाएगा। इसका मतलब ये तीनों लाइन कॉन्करेंट कब होगी, आप a की कुछ भी वैल्यू पुट करो, इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ a, फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है इसी पे, कॉन्करेंट लाइन पे, क्वेश्चन ये पूछा है इफ द लाइन्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट, देन शो दैट
द पॉइंट्स पॉइंट्स ए वन कॉमा बी वन ए टू कॉमा बी टू एंड ए थ्री कॉमा बी थ्री आर कोलिनियर। हमको क्या प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे कब, जब ये तीनों लाइन को कॉनकरेंट है। तीनों लाइन कॉनकरेंट होने की कंडीशन हमारे पास है ए वन बी वन वन ए टू बी टू वन ए थ्री बी थ्री वन इक्वल टू जीरो। सी वन सी टू सी थ्री की जगह ये वन 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 ये पुट किया, ये हमें मिल गई तीनों लाइन के कॉनकरेंट होने की। अब ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हो तो उसकी कंडीशन भी होती है ए वन बी वन वन ए टू बी टू वन ए थ्री बी थ्री वन इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं, थ्री पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसकी कंडीशन ये होती है, थ्री लाइंस अगर कॉन करंट है तो उसकी कंडीशन ये होती है। अब हमने देखा कि ये दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों लाइन कॉन करंट है तो ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे। ये प्रूव हो गया, यही सही, ये कंडीशन किसकी, तीनों लाइन के कॉनकरेंट होने की, और यही कंडीशन है तीनों पॉइंट के कोलिनियर होने की, मतलब ये कॉनकरेंट है तो ये कोलिनियर है। ठीक है, एक और है कंडीशन फॉर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, हम लोगों ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा था कि अगर एक सेकंड डिग्री कर्व है, सेकंड डिग्री कर्व ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा इफ, कंडीशन क्या थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर ये इसको सेटिस्फाई करे तो। अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो ये जो इक्वेशन है 2D की, मतलब सेकंड डिग्री कर्व की जनरल इक्वेशन है, इसके जगह कुछ और भी हो सकता है, ये इस पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कब, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये इसकी एक और एप्लीकेशन है, वैसे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये कहाँ से आया था ये हमें पता ही है, हमने इसको एक्स की क्वाड्रेटिक बनाया था, फिर एच डी फॉर्मूला द्राचार्य फॉर्मूला से इसको सॉल्व किया था, उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेंट डी आया था वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ही दो लाइन बन सकती है, उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए फिर उसका डी है वो जीरो लिया था, उसका डी जीरो लेने से ये कंडीशन बनी थी, इसको फिर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा था तो ऐसा आया था। तो अब क्या समझ आया, ये एक और एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट की, कि सेकंड डिग्री कर्व, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो। ये थी हमने आज जो टोटल 5 एप्लीकेशन पढ़ी डिटरमिनेंट की, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, कॉनकरेंट, कंडीशन ऑफ कॉनकरेंट थ्री लाइन, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 2D, सेकंड डिग्री कर्व इफ रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन देन डिटरमिनेंट ऑफ दैट इक्वल टू जीरो।